আছে লেগাকন গুরুয়েন মোডলো এম কনগ্রুয়েন্স মোডলো এম আর হিন্দি ইসকা লিখলো সর্বাংশ মোডলো এম মোডলো এম আগর আপ ক্লাস 12 কে স্টুডেন্ট হো और अभी आप 11th पे हो 2021 में क्लास 12th के लिए एग्जाम देंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं तो हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं सभी पार्ट को देख ले आपका मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अगर आप वीडियो का लिस्ट चाहते हैं तो बीच वाले हैशटैग को छू देना है तीन हैशटैग होता है तो बीच वाले हैशटैग को छुए ये 12th ऑल जाए सभी वीडियो का लिस्ट आ जाएगा डिस्क्रिप्शन को चेक करें प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा कनग्रुएंस मोडलो एम कनग्रुएंस के बारे में आप पूर्व से परिचित हो सर्वांशम होता है ना हो गया सर्वांशम मोडलो एम तो देखो लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स एंड एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम then a is said to be congruent to be modulo m modulo m are written as dekho a congruent b modulo m and b modulo samajh gaya na modulo m ab tum log congruent ka to symbol ye padha hai geometry mein yahan par hum iska hum prayog karenge ab dekho inka hindi kya hota hai hum tod tod karke batate hain लेट मतलब क्या हो गया माना की लेट मतलब माना की ए और बी बी दो क्या हो पूर्णांक ए और बी क्या हो दो पूर्णांक और एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक तो ए और बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है ए और बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है ये धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है लेकिन ये जो एम है ये आपका धनात्मक होना चाहिए इफ मतलब यदि इफ मतलब यदि यदि ए माइनस बी ए माइनस बी मतलब क्या हो गया ए और बी का घटो अंतर डिफरेंस जो बोलो एम के द्वारा एक माइनस बी का घटो एम के द्वारा विभाजित हो इनका जो घटो प्राप्त होगा एम के द्वारा दो संख्या ए और बी दिया रहेगा इनका जो घटो प्राप्त होगा वो एम से क्या हो विभाजित हो जाए तब देखो ए इज सेट टू बी कनगुरुएंट टू बी मोडलो एम तो मतलब क्या हो गया ए सर्वांशम बी मोडलो एम कहे जाते हैं समझ गया ना रिटन एज रिट एज इसे लिखा जाता है समझ गया ना कैसे ए कनगुरुएंट बी मोडलो एम समझ गया ना जैसे दो नंबर ए और क्या हो गया बी दो को नंबर है ना ये दो पूर्णांक है ये दो क्या है पूर्णांक चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो देखो इसका अंतर इसका घटो किसी भी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से क्या हो जाए विभाजित हो जाए समझ गया ना जैसे ए और बी है वह धनात्मक पूर्णांक क्या है जिससे इसका अंतर क्या होता है विभाजित है हम क्या कहते हैं ए कनग्रुएंट बी मोडलो एम ए कनग्रुएंट बी मोडलो एम समझ गया ना ए कनग्रुएंट बी मोडलो एम इसका अर्थ हो गया कि ए माइनस बी का अंतर एम से क्या होगा विभाजित होगा ए कनग्रुएंट बी मोडलो एम का अर्थ क्या हो गया ए और बी का अंतर ए और बी का घटो एम से विभाजित होगा तो एकदम सिंपल बात ए कनग्रुएंट बी मोडलो एम ए सर्वांशम बी मोडलो एम मतलब मोडलो एम कब किया जाएंगे यदि दो को नंबर है समझ गया उसका घटो कोनो धनात्मक पूर्णांक संख्या से विभाजित हो समझ गया ना ये और भी दो नंबर है या कोई दो नंबर है उसका अंतर कोनो इस संख्या से धनात्मक से विभाजित हो जाए समझ गया ना जिस संख्या से विभाजित हो जाए धनात्मक पूर्णांक से वही मोडलो कहलाएगा वही मोडलो एम है तो एम कहलाएगा चार है तो चार कहलाएगा दो है तो दो दिक्कत भी है आप देखो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा हिंदी में पहले लिखा दीजिए ऐसे परिभाषा जान गए हैं हिंदी में भी नहीं लिखा है मैं लिखा है सर जी कभी कभी इसका अब ये क्या लिखा है ये लिखा हुआ है सर जी
लो एम, मतलब कंग्रुएंस मोर लो एम, कंग्रुएंस मोर लो एम तभी कहेंगे जब दो गो नंबर रहेगा उसका अंतर उस एम से क्या हो जाए, भाग हो जाएगा, समझ गया ना। कंग्रुएंस मोर लो एन, एम रहे एन रहे जो रहे, समझ गया ना। कंग्रुएंस मोर लो एन मान लिया सर जी, मोर लो एम क्या हो जाए, एम से विभाजित हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल पाला, ये आपको 15 है ना जी सर, 15 कंग्रुएंट 3 मोड लो 4 ये हो सकता है, हो सकता है क्या सर, होगा नहीं होगा, नो होगा सजी, 4 से सजी भाग नहीं सजी, रुकिए 15 में से 3 घटाएंगे तो बार होगा सजी, हाँ होगा। आप देखो 15 में से 3 को हम क्या करेंगे, 12 बचेगा, 4 से भागा होगा सजी, ये 3 या मोड लो 4, 15 कंग्रुएंट 3 या मोड लो 4, ये होगा कि नहीं होगा, समझ गया ना। 15 में से 3 को क्या करेगा, घटाएगा, मन मन भी कर देगा, मन मन 3 क्या क्या हो गया 12, 4 से भाग है सर, विभाजित है कि नहीं है, है सर। यहाँ पर लिखेगा इज मोड डिविजिबल डिविजिबल बाय 4, समझ गया ना। तो 12 क्या है, 4 से विभाजित है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि 15 15 सर्वांगसम क्या हो गया, 3 हो गया, मोडलो क्या हो गया, 4, क्योंकि 4 से विभाजित हो गया ना, 15 कंग्रुएंसम 3 होगा, मोडलो 4, 3 होगा ना भाई, में भाई के बाद 3 कैसे विभाजित हो रहा है, समझावे दो हमारा सर जी का, एम से विभाजित होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एम से विभाजित होता है तो यहाँ पर क्या होता है बोलो, एम न होता है एम से, यहाँ पर जो रहता है उनसे विभाजित होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, समझा किन्हें समझा, इंटीजर देखो ये क्या हो गया, ये नहीं हो गया जी, ये कोई धनात्मक पूर्णांक ये हो गया ना, ये क्या हो गया, बी बी हो गया ना, तुम लोग ये क्या हो गया, कंग्रुएंस समांसम का चिन्ह, समांसम हुआ ना, ये क्या हो गया, मोड लो, मोड लो मोटलो एम हो गया ना। तो देखो तो इसको एकदम परिभाषा देगा तो एकदम कोई दिक्कत होगा, इस फिगर को ध्यान में रखना है, जैसे देखो ये हो गया ना जी सर, ये क्या हो गया, ए सर्वांगसम बी, ए सर्वांगसम बी, मोडलो एम देखो मोड है ना, एम ओटी मोड, मोडलस मोडलस होता है जी, माइनस में से प्लस भाजे जी सर, अलग हो गया तो मोड हो गया, मान के चलो कैसे माइनस में तो प्लस हो गया, ना पॉजिटिव लिखा है, लिखा है यस सर, नेगेटिव संख्या भी अंदर में रहेगा तो क्या निकल, पॉजिटिव निकल क्या होगा, पॉजिटिव चलो तो यहाँ पर मोड लो, एम फोर क्या हो गया, मोड मोड जो दिया है जो नाम है इसका, लेकिन ये भी मोडलस नहीं होता है, ये क्या होता है, मोडलस होता है, मतलब पॉजिटिव वन वाला होता है जी सर, तो ये क्या हो गया, एम फोर मोडलो, मोडलो एम हो गया, जनता ही है दिक्कत है, कोनो भी सजी धनात्मक संख्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकता है, समझ गया ना जी, हाँ ए और बी जो है ना ये धनात्मक रेखीय धनात्मक, इससे कोई दूसरा एग्जांपल जी सर जी मनाने की है, दूसरा एग्जांपल में हम लेते हैं, ये 15 ले लिए, 15 कंग्रुएंट क्या हो गया, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, मोट लो 3 ले लेते हैं, सर जी नहीं होगा सर जी, लिखेगा ना नहीं होगा तो बनाएगा ना, बना लिए सर जी, चलो बनाए 15 मिनट सर क्या हो गया, 11 इज नॉट, इज नॉट डिविजिबल बाय 3 डिवाइजल बाय 3, समझ गया ना जी, 11 जाए 3 से विभाजित नहीं है, हिंदी में क्या लिखेगा, 11 3 से विभाजित नहीं है, समझ 11 3 से विभाजित नहीं है, नहीं है, समझ गया ना, तो इसको इस प्रकार से लिखेगा
अब 15 इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, जैसे काटेगा ना जी सर, सही का चिन्ह जैसे बराबर नहीं रहता तो बराबर देख करके क्या हो गया फोर बराबर नहीं होता है ना, मॉडल होता है इधर देखिए ना इसमें समझ गए। तीसरा एकदम एग्जांपल एक दे दीजिए बनाने के लिए, चलो दूसरा तीसरा संख्या चेंज कर लेते हैं। ये मोड लो सच होगा 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 हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्यों सर ए माइनस बी तो ए है 13 बी है 3 को घटा देंगे 5 से विभाजित कर देंगे समझ गया ना, 5 से विभाजित है तो ही होगा। तो 5 क्या है कॉन्ग्रुएंस मॉडल है जी सर, एम की जगह पे 5 है डिविजिबल। आप देखिए 12 ले लिए ये कॉन्ग्रुएंट 4 मॉडुलो 4 होगा होगा सर। ये अगला 4 दुना 8 ये होगा 15 कॉन्ग्रुएंट माइनस 2 ना होगा सर जी ना होगा 13 17 3 से विभाजित होगा कभी हो। अब देखो मतलब होगा बनाएगा ऐसे नहीं छोड़ देगा ना, लिख लेते हैं घर से बना करके लाएंगे उसे अभी क्या करेगा 5 बचा 12 इज डिवाइजेबल बाय इज डिवाइजेबल डिविजिबल हाँ बाय 3 हिंदी में क्या लिखेगा सुदिन्दी में क्या बारह तीन से विभाजित है पूर्ण विभाजित या 12 जो है ना ये 3 के द्वारा विभाजित है पूर्ण नहीं लिख सकते हैं तब जो है की कट्टो का ये जो यहाँ पर इसे काट देते हैं वो नहीं ये नहीं मारेगा रिकॉर्ड है नीचे ले दिया गया मैं इन रूम तेरे दो एक ले तो साथ कर पिछल का नहीं पूछ दो तेरे खड़ा करके तो दार पिछलो का कुछ हल का बोलो एग्जाम में सब क्वेश्चन आएगा छूटेगा भी नहीं सर जी, सपना में जाकर के बना देंगे सर जी रे तू सेंटा क्लोज वाला एकदम किन का आवे छी दियाल छी तू उतार भी ने दे वाला सेंटा क्लोज दे